के संग पंचवटी में आए, सीता देख स्वर्ण हिरण और मन ही मन ललचाए। हे प्रभु, कितना सुंदर हिरण है, वह मुझे चाहिए। सीते, यह स्वर्ण हिरण कहीं कोई छल तो नहीं? इसमें कैसा छल, ये तो इतने सोने जैसा चमक रहा है, बड़ी बड़ी आंखें, वह मुझे चाहिए। ठीक है सीते, जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, मैं हिरण के पीछे जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ठीक है भैया। और वह हिरण के पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते हिरण राम को कुटिया से दूर ले जाता है। हाय, हट कर बैठी, कोई जाके वृक्ष को लेकर आए। रघुवर कहते सीता प्रिय हिरण उन्हें घर आए। मंद मंद मुस्काते ही रघुवर धनुष पे बाण चढ़ाए। लक्ष्मण, बचाओ मुझे, सीते सीते, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, श्री राम को तुम्हारी जरूरत है, जरूर वो किसी संगत में है। निश्चित रहे, कुछ नहीं होगा, ये जरूर किसी मायावी राक्षस का छल है। नहीं लक्ष्मण, तुम अभी ही प्रभु की सहायता के लिए जाओ, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा माते, मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रहा हूँ, कृपया आप इस रेखा से बाहर ना जाएं। मुझे विश्वास है आप इस रेखा में सुरक्षित रहेंगी। सफल हुई मारीच की चाल, आया रावण साधु वेश डाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। लीजिए मुनिवर, भिक्षा लीजिए। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, पर लक्ष्मण रेखा लांग नहीं सका। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, तुमको ही बाहर आकर भिक्षा देनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं मुनिवर, मैं ये लक्ष्मण रेखा नहीं लांग सकती। नहीं, तुम्हें स्वयं ही आना होगा, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो ये मेरा अपमान होगा और मैं तुम्हारे पूरे कुल को श्राप दे दूंगा। हवा की गति से तेज उड़ता हुआ रथ इस तरफ जा रहा था
और हमें एक स्त्री की चीख सुनाई पड़ी और फिर रथ से एक छोटी सी पोटली जमीन पर गिर पड़ी जिसे हमने संभाल के रखा है। वो कहाँ है, वो कहाँ है, दिखाओ मुझे। लक्ष्मण ये देखो, अवश्य ये सीता के ही आभूषण है। ओ सीते, पता नहीं मेरी सीता किस संकट में है। धीरज रखिए प्रभु, ये वक्त दुखी होने का नहीं, आपको तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सीता को बचाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, चाहे वो कहीं भी हो, हे सीते तुम्हारे राम तुम्हें जल्द ही इस संकट से मुक्त करवाएंगे। उठो महावीर, उठो, संसार को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। श्री राम का विश्वास अब तुम्हारे ही कंधों पर है। साथियों चिंता ना करो, मैं ही समुद्र पार करके लंका जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ पहुंचे? और भी सबको चकमा देते हुए माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचे। माँ सीता को वहां अपने राम की प्रतीक्षा करते देख हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। प्रणाम माते, मुझे श्री राम ने भेजा है, मैं हूँ उनका दूत हनुमान। ये लीजिए माते, प्रभु श्री राम की निशानी। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, कैसे है वो? वे बस आपके लिए चिंतित है। स्वामी का समाचार देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। स्वामी से कहना वे शीघ्र आए, मुझे यहाँ रावण से और उसके राक्षसों से बहुत डर लगता है। यदि ऐसा है माते, तो मैं अभी ही आपको अपनी पीठ पर बिठाकर उसे ले चलता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा और इस दुष्ट रावण को पाठ पढ़ाना होगा। माता सीता हनुमान को अपना स्मृति चिन्ह देकर जाने की आज्ञा देती है और फिर हनुमान फल खाते खाते पूरी अशोक वाटिका को ध्वस्त कर देते हैं। राक्षस राज रावण को जैसे ही हनुमान के लंका में उत्पात मचाने के बारे में पता चलता है, वो उसे अपने दरबार में बंदी बनवा देते हैं। कौन है रे तू? क्यों आया है लंका में? मैं अंजनी पुत्र हनुमान, रावण माता सीता को सम्मान सहित लौटा दे और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांग, अन्यथा तेरा अंत निश्चित है। और फिर शुरू होता है श्री राम और
किया, परंतु वे हर बार जीवित हो जाता। फिर कभी विभीषण ने श्री राम को रावण के ब्रह्मा द्वारा मिले हुए वरदान के बारे में बताया। श्री राम हनुमान की मदद से सीधा रावण की उसकी जान की उस पर वार करके उसका वध कर देते हैं। Thank you.